हरे कृष्ण। एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी था जिसके पास बहुत सारा ज़मीन थे और उस ज़मीन में वो खेती करते थे। उस मुकेश का एक दोस्त भी था। उसका जो दोस्त उसके नाम रवि था। वो रवि मुकेश के पास एक दिन आए और उसको बताया, अगर तुम्हारे पास कोई डायमंड होता तो तुम बहुत ही खुश रह सकते थे, तुम जिंदगी में बहुत ऊंचे पोजीशन में उठ सकते हो। तो ये बता के वो रवि चल दिए और वो मुकेश सोचने लगे कि डायमंड मुझे कैसे मिले, और उसी डायमंड के चक्कर में वो अपनी ज़मीन बेच दिया और उसी में से जो पैसे इकट्ठे किया उसी पैसे से वो दुनिया घूमने लगे डायमंड के चक्कर में। उससे यही आशा थी कि सपोज वो डायमंड उसे मिल जाएंगे, पर वो घूमता रहा पर डायमंड उसको नहीं मिला और जो ज़मीन उसके पास था वो भी चले गए। और इसी डिप्रेशन में आके वो मुकेश सुसाइड कर दिया। उसके बाद मुकेश जिसके पास वो ज़मीन सेल किया था वो उस ज़मीन से खेती करने लगे और खेती करते करते उस ज़मीन से एक स्टोन मिला और वो स्टोन देखने लगे। और उसी टाइम मुकेश का जो दोस्त उसके पास आए और पूछा कि मुकेश अभी तक आए, तो बोला नहीं आए। और उसी टाइम वो उस स्टोन देखा और वो मुकेश का जो दोस्त उसी आदमी को बोलने लगे कि ये स्टोन डायमंड है, पर उस आदमी ने उसको नहीं माना। फिर मुकेश का जो दोस्त रवि उसको टेस्ट किया और उसी स्टोन को टेस्ट करके फिर दिखाया कि ये डायमंड है। और फिर उस आदमी ने बहुत सारा खेती किया और खेती करते करते देखा कि उस ज़मीन के अंदर बहुत सारा डायमंड है और बहुत सारा डायमंड उस आदमी को मिल गए। उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ चांसेस हमारी पैरों के नीचे है, उसे ढूंढने के लिए दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये पहचानना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमारी ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं और समय रहते रहते हमें उसे पहचानना है। और अगर हम नहीं पहचाने तो वो चांसेस हमसे दूर जाएंगे। सो राइट टाइम राइट डिसीशन, समय रहते हमें सही डिसीशन लेना है, क्योंकि गलत टाइम पे हमें सही डिसीशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही नीति है। हम बोलते हैं कि हम भजन भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, हम भजन भक्ति हमें वो काम मिल जाए उसी की बात करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसी की बात करेंगे, और हमारे पास भजन और स्पिरिचुअल लाइफ का डिसीशन और सजेशन देने के लिए अगर कोई आए हम उसे भेज देते हैं और उसका सजेशन नहीं मानते, पर उसके बाद हमारी ज़िंदगी
जब निकल जाते हैं तभी हमको समझ में आते हैं कि हमारे आँखों के सामने से पूरे जीवन कैसे निकल गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो समय रहते, टाइम रहते हमें सही डिसीशन लेना है, वरना हमारी आँखों के सामने से समय कब तक निकल जाए हमको पता भी नहीं चलेंगे और लाइफ के एंड में हम पछताएंगे। उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते और उसी टाइम वो सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वो टाइम हमें टाइम रहते लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एक ही बार आते हैं। जो काम हमें मॉर्निंग में करना चाहिए वो काम हमें शाम को, इवनिंग में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए हम सभी समय रहते अपनी भजन भक्ति और कोई भी काम स्टार्ट करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।